छत्तीसगढ़ में 10% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जो कि राष्ट्रीय कवरेज से काफी ज्यादा है। एक दिन में 3 लाख लोगों को राज्य की 1% से अधिक जनसंख्या को वैक्सीन दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार जितनी ज्यादा वैक्सीन की खेप छत्तीसगढ़ को मुहैया करवाएगी, हम उतने ही ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन दे पाएंगे। अगर टेस्टिंग की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य देश में कुछ गिने राज्यों में से है जहां प्रति 10 लाख में सबसे ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का दावा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना द्वारा मृत्यु दर का कारण टेस्टिंग है, बिल्कुल बेबुनियाद है। गत दिवस ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्हें ये सूचित किया गया था कि एंटीजन टेस्टिंग की संख्या कम की जा रही है और अगले 3-4 दिन में राज्य में 5 RT-PCR लैब की स्थापना की जा रही है, जिनमें से एक के लिए केंद्र की सहायता की दरकार है। छत्तीसगढ़ में क्यूमुलेटिव टेस्ट 202,985 हैं। प्रति दिवस टेस्ट 1627 हैं। हर्षवर्धन जी सभी तथ्य जानते हैं, उनके साथ मीटिंग में चर्चा होती रहती है, लेकिन दुख की बात ये है फिर भी वे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।